हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास सेकंड के हिंदी सब्जेक्ट है। आपका पार्ट 6 है। नाम है होली आई, ये कविता है। चलें पढ़ते हैं इसे। होली आई रंग बिरंगी होली आई, नवल नवेली होली आई, तुम क्यों यूं खड़े हो भाई। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? कह रहा है कि होली आ गई है और ये रंग बिरंगी होली है। रंग बिरंगी मतलब रंगों का त्यौहार है ये। नवनवेली होली, नवनवेली भी कहा इस होली को कि ये एकदम नई नई होली है, क्योंकि हर साल ये नए रूप में आती है। और तुम क्यों यूँ खड़े हो भाई, कि अगर कोई ऐसे ही खड़ा है बिना कोई खेल नहीं रहा है, तो कवि ने उसको कहा है कि तुम क्यों खड़े हो ऐसे। चुन्नू ने ली है पिचकारी, मुन्नू ने है भरा गुब्बारा, मीरा लिए गुलाल खड़ी है, अबीर लिए खड़ी है नीरा। तो इस तरह से इस कविता में बच्चों के नाम लेकर बताया है कि पिचकारी ली है, गुब्बारा लिया हुआ है, गुलाल लिया हुआ है, तो ये रंग लिए हुए हैं, तो उनके नाम भी बच्चों के हैं। जैसे ये चुन्नू है, मुन्नू है, मीरा है, नीरा है। होली आई रंग बिरंगी होली आई, कि होली आ गई है और ये रंग बिरंगी होली कहा इसको, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है। हाँ, सभी बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो ये नीचे एक पिक्चर दी हुई है, इसको देख के भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा, याद आ जाएगा कि आप लोग होली कैसे मनाते हो। नेक्स्ट पेज, ये कविता है, तो इसको कविता के रूप में ही आपने याद करना है। जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे रिसाइट कर रही हूँ, वैसे आपने भी रिसाइट करना है इसको। हंसती आई गाती आई, झोली में खुशियाँ भर लाई, सबको गले लगाती आई, जीवन में है बजी शहनाई। तो ये हंसती गाती का मतलब होता है कि जब भी होली का त्यौहार आता है तो सब हंसते हैं, गाते हैं, खुश होते हैं, सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो एक तरह से चारों तरफ ये अपने साथ खुशहाली लाती है। बरसों से जो जुड़ न सके, फटे हृदय वह जोड़ रही है, बरसों से जो खुल न सकी थी, बंधी गांठ वह खोल रही है, सबको गले मिलाती आई, रंग बिरंगी होली आई। तो ये जो होली का त्यौहार है, इसमें कवि ने बताया है कि जो बड़ी देर से, बरसों से जुड़ ना सके, कि जो बड़ी देर से एक दूसरे से रूठे हुए लोग थे, दोस्त लोग एक दूसरे से रूठे हुए थे, जो एक दूसरे से नाराज़ थे, तो जैसे ही होली का त्यौहार आता है तो सभी अपनी नाराज़गी, बंधी गांठ वह खोल रही है, इसका मतलब है कि सभी अपनी नाराज़गी भूलकर, गुस्सा भूलकर, एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को रंग लगा के होली मनाते हैं, और ये होली इस तरह से खुशियां लाती है। तो ये थी आपकी कविता होली आई। तो मेरे पेरेंट्स से एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि सेकेंड क्लास के पेरेंट्स तकरीबन रोज़ हर बार जब भी फीस देने आते थे तो कहते थे कि बुक्स के लिए पूछते थे। तो हमने वैसे ग्रुप में मैसेज भी डाला हुआ है, हिंदी और इंग्लिश की बुक्स स्कूल में आ गई हैं, तो आप परचेज़ कर सकते हो विद इन 1 वीक, क्योंकि फिर वो वापस चली जाएंगी जल्दी ही। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने लेनी है, लेनी चाहिए आपको, तो आप ले लें, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप उसको ऑफिस से ले लें, हिंदी और इंग्लिश की।